नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवकुमार स्वामी, आप सभी का जीनत फिल्म यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बहुत जल्द मेरी फिल्म जीनत आपसे रूबरू होने वाली है और इस फिल्म से कई नामचीन कलाकार जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी, आदित्य नारायण जी, वैशाली माढ़े जी। जब देखो तो पढ़ते ही चले थे, बुक पढ़ को कामा नहीं होते मियां। और इनके साथ कुछ लोकल बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं, वो भी काम कर रहे हैं और यकीन मानिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बचपन में मैं भी चाहता था कि मैं किसी तरह फिल्म से जुड़ जाऊं, पर कंडीशंस उतनी फेवरेबल नहीं थी, पैसों की कमी थी, इसलिए वो सपना मेरा पूरा नहीं हो सका। पर आज जब भी मैं ऐसे टैलेंटेड बच्चों को देखता हूं जो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाते, बस उन्हीं का ख्वाब पूरा करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा अपना ख्वाब पूरा कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले 23 साल से एक डॉक्टर की हैसियत से मैं एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूं। अब तक लाखों लोगों का मैंने इलाज किया है, कई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करके खास तौर पर माँ और बच्चों की जानें बचाई है। अब उन्हीं हाथों ने आपके लिए एक फिल्म बनाई है, क्या आपको नहीं लगता कि ये फिल्म कुछ खास होने वाली है? बहरहाल दोस्तों, 25 साल लंबे मेडिकल करियर में रोज मेरे पास सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं, सिर्फ बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं। अब इसी सिलसिले में चंद साल पहले की बात है, एक शख्स जो तकरीबन 45 साल का रहा होगा, वो मेरे पास आया। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो ज़रूर किसी न किसी मेंटल टेंशन में है, और पूछने पर उसने मुझे बताया कि वो और उसकी बीवी दोनों जॉब करते हैं और शादी के महज एक साल बाद छोटी मोटी अनबनों की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो गए और अब वो अलग अलग शहरों में जॉब कर रहे हैं। कई मरतबा इसने सुलह करने की कोशिश की लेकिन पर वो कामयाब नहीं रहा। एक साल पहले सुनने में आया कि वो शख्स हार्ट अटैक की वजह से मर गया और उसकी बीबी उसके अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। समझ में नहीं आता ये कैसा ईगो है, ये कैसी जिद है मेरे दोस्तों, जिसे मौत भी हरा नहीं सकी। आजकल ऐसी अनबने, ऐसे सिचुएशंस हमारे समाज में हर तरफ देखने को मिलती है, पर मेरा तजुर्बा इससे बिल्कुल अलग है। मैं समझता हूँ कि फैमिली चलाना बहुत आसान है, बीबियों को मनाना बहुत आसान है, बशर्ते आपको सही समय पर अपने कदम पीछे हटाना आना चाहिए। दोस्तों, मेरी शादी को अब तकरीबन 23 साल हो रहे हैं, पर मेरा यकीन मानिए,
आज तक मैंने मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं किया। बीवी को एक छोटा सा गिफ्ट तक नहीं लाया मैंने। अब उसका बर्थडे याद रखना, मैरिज एनिवर्सरी याद रखना, ये तो बहुत दूर की बात है। फिर भी अपनी आराम से जिंदगी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे कपड़े धुलते हैं, कपड़े प्रेस हो जाते हैं। अब कभी कभी मुझसे ज़्यादा गुस्ताखी हो जाती है तो वो भड़कती है, पर वो थोड़े ही मुझे चौराहे पे जाके माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, ये सारा चुपके से हो जाता है। अब सालों साल आप आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और इतनी भी तकलीफ़ आप नहीं उठा सकते, कमाल की बात है। ये फिल्म वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस पे बनी हुई है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि दुनिया के हर कपल्स ने, जो शादीशुदा है या फिर रिलेशंस में है या लिव इन में है, उन्हें ये फिल्म ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। दोस्तों, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा है कि ये आपका खुद का चैनल है। आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाइए,